नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा हो तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। माहरीन के मुताबिक दौरान चार्जिंग मोबाइल में से ऐसी लहरें निकलती हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इस हवाले से एक टेस्टर भी सामने आया है जो मोबाइल के चार्जर से निकलने वाली लहरों की निशानदेही करता है। अरे तूने कॉलेज में मोबाइल फोन चार्ज हो रहा हो तो इस्तेमाल न करें। माहिरीन का कहना है दौरान चार्जिंग मोबाइल में से ऐसी लहरें निकलती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। चार्जर उस वक्त भी तवानाई खर्च कर रहा होता है जब वो बिजली के सॉकेट में हो, चाहे उसके साथ मोबाइल फोन मुंसलिक भी ना हो। मोबाइल फोन चार्जर से निकलने वाली लहरों को मखसूस किस्म के टेस्टर से चेक किया जा सकता है। Nothing. So I'm detecting some current over here and all the way up to here. परेशान कुन बात यह है कि चार्जर मोबाइल से ना लगा हो तो उसमें ये लहरें नहीं होती। अगर चार्जर को इससे मुंसलिक कर दिया जाए तो ये लहरें न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि इस्तेमाल करने वाले शख्स से भी खारिज होने लगती हैं, जिन्हें टेस्टर से चेक किया जा सकता है। The whole thing goes through the body. That's why they say don't use the phone whilst it's being charged. ऐसे इत्तलात सामने आ चुकी हैं कि चार्जिंग के दौरान फोन की बैटरी फट गई। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट भी आग की वजह बन सकता है। अगर आप चार्जर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे सॉकेट से निकाल कर रख दीजिए। अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो उसे कॉल के लिए हरगिज इस्तेमाल न करें। Now checking with different voltage sensor. Same thing.